हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 14 ऐसे मजबूत, ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि आपको बहुत शॉर्टर पीरियड में 10 to 30% के प्रॉफिट दे सकता है। और बहुत सारे शेयर्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, उनके ऊपर मैं आपको लिंक भी दूंगा, तो जाके देख लीजिएगा तो फंडामेंटल का भी आइडिया आपको थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट रिक्वेस्ट करूंगा बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार का जो आपका खुद का चैनल है, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो और किसी को भी मिले। और अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ, जिसका आपको कोई भी फीस नहीं देनी, जीरो डिलीवरी चार्जेस है। इंडिया का नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, एज वेल एज सेबी रजिस्टर्ड है, मेन सेबी रजिस्टर्ड है। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जिस शेयर की मैं बातें करूंगा वो है अवंती फीड्स। अवंती फीड से रिलेटेड मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं है, बट बहुत जल्दी मैं इसके फंडामेंटल से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने क्यों चूज़ किया है। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको, जब ये कोविड था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविड से और अभी के बीच में, मार्च से अभी तक के बीच में लगभग 30% अभी भी डाउन है ये शेयर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शेयर लगभग 6 746 इसका हाईएस्ट था, उसके बाद ये गिरता चला गया। मैं विद इन 52 वीक हाई की बात कर रहा हूँ। और अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखें तो काफ़ी बेहतरीन है, आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही दिखाई देगा। तो ये जो इसका मूव्स है, ये बहुत जल्दी ये मूव्स ले सकता है और ये वहाँ से बढ़ता हुआ हमें नज़र भी आ रहा है। बहुत जल्दी कंसोलिडेशन फेज पे यहाँ पर चल रहा है, पर जिस दिन भागेगा उस दिन ये शेयर जब भागते हैं ना, तो इस तरीके से भागते हैं ऊपर की तरफ। तो जैसे अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, बट जैसे ही भागेगा तो आपको ये जो ये लेवल है इसका 52 वीक हाई बिफोर कोविड 746 का, बहुत जल्दी क्रॉस कर देगा और आपको 25 to 30% के अच्छे खासे रिटर्न बहुत शॉर्टर पीरियड में मिल जाएंगे। तो इस शेयर को याद रखना। एज वेल एज एक दूसरे शेयर की बात करें तो देखिए, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी। ओके, तब भी ये शेयर लगभग 3000 के आसपास चल रहा था और मैंने आपको बताया भी था कि ये शेयर एग्जैक्टली है क्या। बजाज की होल्डिंग्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, उसी से इसे पैसा मिलता है। तो बताना चाहता हूँ कि लगभग 3800 के आसपास ये शेयर चलता चलता था कोविड से पहले, बट शेयर में गिरावट हुई है, उसकी वजह से शेयर अभी तक आ नहीं पाया है उस लेवल पर। बट धीरे 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 ये भाग रहा है और लगभग 20% के अभी भी ये आपको जंप दिखा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा शेयर है, बहुत बजाज से नाम होल्डिंग रखी हुई है, बजाज के साथ बजाज कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है, तो इसे आप अपनी रडार पर रखिए। एज वेल एज दूसरा जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है कैनरा बैंक। देखिए, वैसे तो मैं आपको PSU बैंक का भी सजेस्ट नहीं करता हूँ एक्सेप्ट SBI, बट यहाँ पर कैनरा बैंक देखते हैं तो कैनरा बैंक काफ़ी हमें मजबूत नज़र आता है बाई बैलेंस शीट, बाई इट्स परफॉर्मेंस। ओके, और अगर हम इसकी बात करें तो ये 52 वीक लो बिफोर कोविड जो ये शेयर चल रहा था, अगर तो 218 के आसपास चल रहा था, और अभी अगर हम देखें तो शेयर लगभग 42% की गिरावट में है। और ये यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही पहुँच जाएगा जो मुझे लगता है। तो यहाँ पर आप ज़रूर इसकी तरफ नज़रें बना सकते हैं, काफ़ी आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलने की गुंजाइश हो सकती है। इसके अलावा इक्विटास होल्डिंग, एक शॉर्ट मैंने आपको दिवाली पे ही बताया था कि इस शेयर को आप खरीदिए, तब 50 रुपये पे चल रहा था ये, और के एंड अभी 66 रुपये का भाव है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 42% की अपसाइड आपको मिल सकते हैं, 42% के बहुत अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। और ये लगभग कितना, 114 रुपीज़ पर चलता था, अभी 66 पे, तो इसे आप अपनी रडार पे रख सकते हैं। अगर अगला शेयर की बात करें तो फिनोलेक्स केबल, आप ये देख लीजिए, फिनोलेक्स केबल लगभग 414 52 वीक हाई की बात करूँ तो 429 पे चलता था और अभी लगभग 347 पे ये चल रहा है। बहुत अच्छा है, और केबल का आपको पता ही है लगभग 11,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंसेंटिव भी दिया है। तो यहाँ पर सॉरी 11,000 करोड़ रुपीज़ का केबल का मतलब ऑल ओवर इंडिया केबल्स की जरूरत होगी, क्योंकि इंटरनेट वाईफाई फ्री कर दिया जाएगा, वाईफाई से पूरे देश गांव को जोड़ दिया जाएगा। तो उस टाइम इन शेयर के जब डेफिनेटली बढ़ेगा, बट आपको अपसाइड बहुत जल्दी लगभग 17% के रेटर्स ये दे सकता है, तो इसकी तरफ भी आप नज़रें बना के रख सकते हैं। इसके अलावा और बात करूँ तो जिलेट इंडिया लगभग 58.48 पे ये शेयर चल रहा है,
ओके, अगर हम यहाँ से भी कांटेक्ट करें, यहाँ से अगर हम देखें बिफोर कोविड, तो लगभग 11 और 10 11% के रिटर्न सीए भी दे सकता है। तो बहुत अच्छा कंपनी है जिलेट इंडिया, आपको पता ही है ऑलरेडी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है जिलेट इंडिया है क्या। तो इसकी तरफ भी नज़रें बना के सक सकते हैं ये। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखें तो देखिए पॉजिटिव ही आपको नज़र आएगा। ये सारे शेयर जितने ही बता रहा हूँ फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। एज वेल एज इसकी बात करते हैं हम HDFC AMC की, तो इसके बताने की कोई ज़रूरत नहीं। लगभग 3900 के आसपास ये शेयर पहले चला करता था, अभी 33 यहाँ पर कोविड के आसपास था, 14% के तो अप्स एंड मूव्स। अगर मैक्सिमम भी देखा जाए तो मैक्सिमम ये शेयर लगभग 3900 4000 के आसपास था, तो अभी भी आपको 21 to 25 और 30% के रिजल्ट मिल सकते हैं। और लॉन्गर टर्म्स के हिसाब से ये कंपनी काफ़ी मजबूत है, इसकी तरफ डेफिनेटली नज़रें बना के रखना। एज वेल एज इसी का भाई, एक छोटा भाई कह सकते हैं, निपॉन नाम इंडिया। देखिए यहाँ ये शेयर तो अभी बढ़ा ही नहीं है, लगभग 441 पे से यहाँ पर था, और अभी भी कोई 31% के रिटर्न्स दे सकता है। वो बेहतरीन कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। अभी ये कंपनी लिस्ट हुई है 3 साल पहले, तो यहाँ पर आपको फ्यूचर में भी मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने की पूरी आशा है। एज वेल एज बात की जाए आईटीसी, देखिए लगभग कोविड से पहले 242 के आसपास चल रहा था, देखिए लगभग 13-14% के तो रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे बहुत जल्दी। बट अगर इसके मैक्सिमम की बात की जाए, स्लो बीटा स्टॉक है, लो बीटा स्टॉक है, तो इसलिए ये शेयर भागता कम है। बट आपको बताना चाहता हूँ कि मल्टी बैगर है, काफ़ी बार बोनस दिया है, और चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, बॉटम टू टॉप ऊपर की तरफ जा रहा है, जो एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है। कुछ स्थिति में नहीं चल रहा, बट अदरवाइज इसके प्रोडक्ट भी आपको अब हर घर में मिलेंगे, तो काफ़ी बेहतरीन है, इसकी तरफ नज़रें बना के रखिए लॉन्गर टर्म के लिए। इसके अलावा ये शेयर जॉनसन कंट्रोल, हिटाची कंडीशन इंडिया लिमिटेड, इस शेयर के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया था ओके, जब 2100-2200 रुपये चल रहा था, और मैंने कहा था कि आप इसे खरीदिए, ये शेयर काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इसका मॉडल भी बताया था, ऊपर आई बटन पर भी दे दूंगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखे, देखिए पॉजिटिव ही आपको नज़र आएगा, और अभी भी इस कंपनी ये अभी 50 देख यहाँ पर हम देखें बिफोर कोविड, तो लगभग 18% के रिटर्न्स अभी भी ये कंपनी आपको दे सकती है, तो इसकी तरफ भी नज़रें बना के रख सकते हैं। इसके अलावा एक कंपनी है, इसके ऊपर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, बट बहुत जल्दी आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, राजेश एक्सपोर्ट, तो काफ़ी बेहतरीन है। लगभग 753 पे शेयर चलता था बिफोर कोविड, और उसके बाद ये गिरा, और लगभग अभी भी 35% के अपसाइड ये दे सकता है, तो इसकी तरफ आप नज़रें बना के रख सकते हैं। ये कंपनी भी काफ़ी मजबूत नज़र आती है यहाँ पर, अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो। इसके अलावा हम बात करते हैं SIS की, तो देखिए SIS भी लगभग मैंने जब ये शेयर यहाँ पर चल रहा था 359 और के आसपास, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, ऊपर लिंक दे दूंगा, तो वहाँ और आपको कहा था कि इसकी तरफ नज़रें बनाना। उसके बाद काफ़ी ये चला भी है, और फिर गिरावट भी हो गई थी अभी जब पैनिक आया था तो मार्केट में, तब ये गिरावट हो गई थी। बट अगर हम देखें तो अभी भी इसमें 30% के अपसाइड हमें दिखाई देते हैं, और बहुत अच्छी कंपनी है, पॉजिटिव आपको, और 3 साल ही इसे हुआ है, उसी लेवल पर आपको मिल रहा है, तो इसके ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा VIP इंडस्ट्री भी क्या काम करती है आपको पता ही है, लगेज वगैरह बनाती है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा रिकवरी हुई नहीं है कोविड के बाद, बट स्टिल आपको 35 to 30% के रिटर्न्स दे सकता है, तो इसकी आप ध्यान में दे सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है VIP, और देखिए अच्छा खासे रिटर्न्स यहाँ पर हमेशा देती है ये कंपनी। इसके अलावा सबकी फेवरेट IRCTC, इसे कैसे भूल सकते हैं, तो आपको ऊपर वीडियो मैंने बना रखी है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, लगभग 2000 लोगों ने देखी है ये वीडियो। OFS आया था ओके, उस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, इसके फंडामेंटल बताया था, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो अभी ये लगभग कंपनी 2000 पे चल रही थी और ऊपर ही जाती, बट कोविड आ गया, बिजनेस बंद हो गया, तो इस वजह से ये नीचे है। अभी भी 30% के अपसाइड तुरंत मूव, और लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखने वाला शेयर है, 5-10 साल रख लिया तो अच्छे खासे पैसे आपके बना के दे देगा। तो जैसे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लें, खुद की ड्यू डिलीजेंस कर लीजिए, खुद की रिसर्च कर लीजिए, ताकि आपको पता चले। और बताना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।